सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की दरख्वास्त पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए ने बताया कि कराची में बारिशों की पेशन गोई के बाइस इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई थी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, चीफ सेक्रेटरी, GDA और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त पर किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला अब 28 अगस्त 2022 को होगा। उन्होंने कहा कि फैसला सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अवाम की दरख्वास्तों और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट पर किया गया। ख्याल रहे कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 24 जुलाई को पोलिंग होना थी।